गाइस वेलकम टू माय चैनल। गाइस मैं आपको आज बताऊंगा आपकी हाइट कैसे निकले। गाइस आजकल आप लोग अपनी हाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। गाइस मैंने खुद अपनी हाइट बढ़ाई है। गाइस मैं भी ऑलरेडी मैं इंडियन आर्मी में तैयारी करता हूँ। मैं इस कारण की वजह से मैं आर्मी में जा नहीं पाया क्योंकि मुझे मेडिकल की प्रॉब्लम थी, तो इसी वजह से मैं जा नहीं पाया। मुझे लगता है कि मुझे और भाइयों की भी हेल्प करनी चाहिए जिससे उनकी हाइट निकल सके और चीज़ों के लिए वो तैयारी कर सके। तो गाइस मैं आपको इसमें क्या है बहुत ही आसान तरीका बताऊँ जिससे आप घर पे भी तैयारी कर सकते हैं, पार्क कहीं पर भी जाके आप उसको बिल्कुल डीपली तरीके से करते हैं। तो गाइस मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ये बिना बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिए, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप सारी बातें बताऊँगा। आइए गाइस मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। तो गाइस आपको क्या करना है, जब भी आप पार्क में हो, गार्डन में हो, आप कहीं पर भी हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग करना। स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है, हमारे बॉडी में इंजरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो गाइस हमें स्ट्रेचिंग करना ही करना है। याद रखिए आप स्ट्रेचिंग के कोई भी एक्सरसाइज या वर्कआउट कुछ भी हो आप मत करें, इसमें आपकी इंजरी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गाइस हमें क्या करना है, सबसे पहले आप कुछ भी आप हल्का सा वार्म अप कुछ भी कर लें, आप बॉडी खोल लें, इससे क्या होता है इंजरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। कुछ भी आप हल्का फुल्का कलर आप देख सकते हैं, जो भी आपको आता है। अगर नहीं आता होगा तो मैं आपको आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। तो आइए गाइस मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज आपको बता दूँ आपको क्या क्या करना है। गाइस आपको क्या करना है, जब भी आप स्ट्रेचिंग वार्म अप कर लें तो आपको आके थोड़ा लटकना है। लटकना बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस, लटकने से हमारी हाइट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से निकलती है। अगर आप मैं आपको एक सजेशन और दूंगा, आप वार्म अप करने के बाद ना रनिंग कर लें, रनिंग करके आए उसके बाद लटकेंगे ना तो आप हाइट और भी थोड़ी तेज़ी से निकली गाइस। क्योंकि गाइस एक्चुअली मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई करके देखा है। गाइस एक्चुअली क्या था, मैं भी पहले अपने हाइट के लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था कि मुझे भी आर्मी में जाना था तो मुझे बहुत डर लगता था कि लेकिन लोग बोलते थे ये करो वो करो ये करो, कहते थे ये करो वो करो, पर गाइस मैं वो 10 तरह की बातें बताए तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहता था। तब मैंने अपना दिमाग खुद का लगाया कि मेरे को क्यों ना मैं अपने तरीके से रनिंग करूँ, शायद ये सक्सेसफुल हो पाए। तो गाइस मैं क्या करता था, इससे पहले रनिंग करता था पार्क में आके, स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं रनिंग करना शुरू कर देता था। रनिंग शुरू करने के बाद जब मैं रनिंग ख़त्म करता था उसके बाद आके मैं हल्का सा जा 2-3 सेकंड का रेस्ट लेता था, उसके बाद मैं तुरंत लटक जाता था। लटकने के बाद मैं क्या करता था गाइस, साइकिलिंग करना। साइकिलिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस, अगर आप साइकिलिंग करेंगे आप हाइट बहुत ही तेज़ी से निकलेंगे। जैसे साइकिलिंग कैसे करते हैं मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, आपको इसके 3 स्टेप करने हैं और 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड जितना भी आपसे हो सके आपको उतना करना है। और आपको क्या करना है, उसको धीरे धीरे बिल्कुल उसको बढ़ाना है। तो गाइस साइकिलिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा और भी आगे एक्सरसाइज बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, जिससे आपकी हाइट काफ़ी अच्छी निकलेगी और आप भी खुश रहोगे। आइए गाइस मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताऊंगा आपको कैसे करना है। गाइस हमेशा आपको बिल्कुल ऐसे खड़ा होना, बिल्कुल स्ट्रेट, आपको बिल्कुल हाथ कैसे देख आपको ऐसे खड़ा होना है बिल्कुल स्ट्रेट, आपको बिल्कुल बना के चुप कर लीजिए। उसके बाद आपको हल्के से साइकिलिंग करना है, आपको 10-15 सेकंड आपको साइकिलिंग करनी है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है। गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने गाइस अपनी काफ़ी ज़्यादा हाइट निकाली है। गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करके बताऊँगा। गाइस बिना वीडियो स्किप किए आप वीडियो पूरा देखें अगर आपको हाइट चाहिए। गाइस क्या करना है, जैसे मैंने एक एक्सरसाइज एक स्टेप मार लिया, आपको क्या करना है, आप एक राउंड हल्का सा 400 मीटर 200 मीटर रनिंग मार के दोबारा आए, दोबारा लड़ जाएँ, ऐसे ऐसे करके आपको 3 बार लगातार करना है। गाइस मैं कहता हूँ एक बार आप करके देखें, आपकी हाइट 100% निकलेगा। गाइस मैंने खुद देखा, मेरी हाइट खुद निकली पड़ी है। गाइस अब आइए आप मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, लैग स्ट्रेच, स्ट्रेच करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे भी आपकी हाइट बहुत ही तेज़ निकलती है। आपको लोग इतना करना है, आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपका हो सके आप उतना करें, कोई आपको अपने सर को स्ट्रेच करना बिल्कुल होते हुए। अभी आपको 5-10 सेकंड का होल्ड लगाना है, आप जितना भी हो आप उतना करें, लेकिन आपको धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट लेग पे करना है, नेक्स्ट लेग करनी है।
बहुत रिलैक्स फील मिलता है, वो हाइट बहुत ही तेज निकलेगा। इस बार आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और आप ट्राई भी करें। गाइस इसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा है, अगर आप मोटे हो तो आपकी फैट भी काफ़ी तेज़ी से कम होगा अगर इसको करोगे तो। गाइस मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी